ए टू जेड अपडेट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। सो मैं आज आपको होंडा की CB500X यानी कि उसका एडवेंचर मॉडल जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है और उसके कुछ डेट्स भी लिख हुए हैं और उसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी होंडा ने हाल ही में हाइनेस 350 और उन्हीं की CB350RS जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च की है और इसी के कारण अभी एडवेंचर मॉडल में होंडा का अभी कोई प्लान नहीं था। सो गाइस, अभी होंडा ने एक नया प्लान किया है जिसमें हमें होंडा की CB500X यानी कि पूरा एडवेंचर मॉडल देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, इस बाइक का अभी लॉन्च डेट निकल कर आया है। सो इसका लॉन्च डेट अप्रैल के 2021 में इसका लॉन्च होने वाला है। सो गाइस, अभी इसके डीलरशिप की बात करें तो इसका डीलरशिप बिग विंग में ये बाइक का डीलरशिप मिलने वाला है। अब गाइस, इसके इंजन के बारे में बात करें तो इसमें हमें 471 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा और पावर की बात करें तो 47.5 PS का पावर देखने को मिलेगा और 43 Nm का टॉर्क देखने को मिलने वाला है। यानी पावर टॉर्क तो इसमें बहुत ही अच्छा है। और गाइस, इसके गियरबॉक्स की बात करूँ तो इसमें हमें 6 स्पीड के गियरबॉक्स देखने को मिलने वाला है और इसके साथ साथ इसमें हमें असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी देखने को मिलेगा जिससे हमें क्लच बहुत ही स्मूथ फील होने वाला है। गाइस, इसका सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो इसमें हमें फ्रंट में 41 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे और रियर में हमें 7 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल सकता है। गाइस, इसके ब्रेकिंग की बात करूँ तो इसमें हमें ड्यूअल डिस्क देखने को मिलेगी। फ्रंट में हमें 310 mm का डिस्क देखने को मिलेगा और रियर में हमें 240 mm का रियर डिस्क देखने को मिलने वाला है और इसी के साथ साथ इसमें हमें ड्यूअल चैनल ABS भी देखने को मिलेंगे। यानी ब्रेकिंग पावर के साथ साथ बहुत ही अच्छी है। अभी गाइस, इसके कंपटीटर की बात करूँ तो इसमें कंपटीटर में आता है बेनेली की TRK 502 और इसी के साथ साथ कावासाकी की versys 650 इस बाइक के कंपटीटर रहने वाले हैं। अब गाइस, इस बाइक का प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसका प्राइस अराउंड 6 लाख के आसपास इसका एक्स शोरूम प्राइस रहने वाला है। सो गाइस, आप कमेंट करके बताइए कि ये एडवेंचर बाइक अगर इंडियन मार्केट में आती है तो ये बेनेली और कावासाकी को कैसे टक्कर देगी और KTM एडवेंचर 390 को भी कैसे टक्कर देने वाली है उसके बारे में बताइए। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।